1,62,000 करोड़ रुपए का हाईएस्ट एफडीआई हासिल किया है। हमने अपने राज्य के निरंतर विकास और अपने नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाते हुए काफी कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इन कार्यक्रमों के दौरान अपनी नीतियों और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए लोगों का भी भारी समर्थन मिला। मेरा दृढ़ विश्वास है कि केंद्र सरकार द्वारा गुजरात राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान की गई निरंतर सहायता ने गुजरात और भारत के आर्थिक विकास को गति देने में भी बहुत सहयोग किया है। हमारे निरंतर प्रयासों से नई लोक केंद्रित नीतियों के कारण हमने 2021 अगस्त तक राज्यों की बेरोजगारी दर को भी 1.8% तक लाने में सफल रहे हैं। ये उल्लेखनीय है कि गुजरात की यह बेरोजगारी दर भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है। वॉलेंट्री व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जो कि अपने आप में पहली तरह की इन्वेस्टर समिट है, इस समिट को आयोजित करने के लिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाल ही में अपने गुजरात इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी और गुजरात इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक एवं लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी को लागू किया है। हमारी ये नीतियाँ विकास के साथ साथ राज्य में पर्यावरण के अनुकूल तकनीक, एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स और गुजरात को ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग रिसाइकलिंग के लिए पसंदीदा केंद्र में बनाने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा ऑटो बाजार है। भारत में अब तक रजिस्टर्ड व्हीकल की संख्या भी 270 मिलियन है और इनमें से 28 मिलियन व्हीकल्स को साल 2025 तक स्क्रैप किया जा सकता है। वर्तमान में इंडियन स्टील इंडस्ट्री सालाना आधार पर लगभग 6 से 7 मिलियन टन स्टील स्क्रैप को इंपोर्ट करती है। पुराने व्हीकलों को स्क्रैप स्टील को रिसाइकल करके हमारी लोकल स्क्रैप स्टील इंडस्ट्रीज स्टील के इस इंपोर्ट को कम करने में काफी मददगार साबित होगी। देश में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लागू करने के लिए भारत सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी और राजमार्ग मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। हमारे यह साझा पहल आत्मनिर्भर भारत अभियान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और साथ ही यह ग्लोबल ऑटोमोबाइल रिसाइकलिंग मार्केट में भारत की स्थिति को एक नए तरीके से परिभाषित भी करेगी। हमारा गुजरात भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल हब में से एक है। हमारे राज्य में कई बड़ी व्हीकल की संख्या में भारी बढ़ोतरी की वजह से ये जरूरी हो गया है कि हम पुराने वाहनों को व्हीकल को स्क्रैप करने के लिए आगे आए और इसके लिए सुविधा भी विकसित करें। गुजरात का इतिहास रहा है कि हमारे लोगों ने अपनी क्षमता से ट्रेडिशन, इनोवेशन, एम्बिशन और इमेजिनेशन का अनूठा संगम हमने बनाया है। यह पॉलिसी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में एक सर्कुलर इकोनॉमी के रूप में काम करेगी और पुराने और खराब वाहनों की संख्या को भी काफी कम करेगी। साथ ही ये पॉलिसी भारत के क्लाइमेट कमिटमेंट को भी पूरा करने के लिए वायु प्रदूषण को कम करने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मेरा मानना है कि पॉलिसी देश में नए व्यवसाय मॉडल्स प्रदान करेगी जो मटेरियल्स के रीयूज रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित करेगी। इसलिए गुजरात अपने इस मौजूदा इकोसिस्टम का लाभ उठाना चाहेगा और रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी और ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स को विकसित करने और उन्हें स्थापित करने के लिए इन्वेस्टर्स को भी आकर्षित करेगा। मुझे विश्वास है कि आज का ये कार्यक्रम गुजरात के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के कार्यान्वयन में भारत का अग्रणी राज्य बनने का यह महत्वपूर्ण मंच साबित होगा।
मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि गुजरात सरकार राज्य द्वारा में व्हीकल्स पैकिंग सुविधा के विकास के लिए पहले कदम के रूप में 6 MOU पर हस्ताक्षर करने के लिए हम जा रहे हैं। मैंने अपने परिवहन विभाग को निर्देश दिया है कि वे इस पॉलिसी का अधिक से अधिक लाभ उठाए और इस पॉलिसी को जल्दी से जल्दी और प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके महत्वपूर्ण संबोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीवीएमबी की विविध नीतियां और प्लानिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे निवेशकों को समझने में और उद्योग करने में आसानी हो। इसीलिए आज के सुअवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वीवीएमबी इन्वेस्टर हैंडबुक का अनावरण करेंगे और उनके साथ ही मंचस्थ विराजमान सभी महानुभाव अनावरण विधि में जुड़ेंगे। वीवीएमबी इन्वेस्टर हैंडबुक का अनावरण करेंगे और उनके साथ ही मंचस्थ विराजमान सभी महानुभाव अनावरण विधि में जुड़ेंगे।